एकच वादा महेश दादा पाटील तोंडरे त्यांच्या समवेत डोंगरेपाडा गावातील क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व क्रिकेटवर अथंग अलोट प्रेम करणारे की ज्यांनी या स्पर्धेला 25,000 रुपयांचं मदत कार्य म्हणून खऱ्या अर्थाने एक आर्थिक सहकार्य केलेलं आहे. भीमशेठ तुमचं मनपूर्वक स्वागत. त्यांच्या समवेत ज्यांनी या स्पर्धेला 25,000 रुपयांचं सहकार्य केलेलं आहे ते माजी उपसरपंच तोंडरे श्रीनाथ दादा पाटील त्रिवेणी संगमचं भारत दादांच्या वतीने सहर्ष स्वागत आहे. तर यापूर्वी आपण आवाज ऐकला आता लढत असणार आहे ठाणे ग्रामीण मधला एक मातबर क्रिकेट संघ आपण इथे पाहतो. तर एका बाजूला गावदेवी अथर्व इलेव्हन गावदेवी कानपोली अर्थात वल्लभ ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नाईट स्पर्धेचे ऑर्गनायझर भोलानाथ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेला संघ सुधीर पाटील यांचा आपण इथे पाहतो. तर त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ खऱ्या अर्थाने जय दुर्गा सुरई बिग फाईट फायनलचे पहिले फायनल बिलकुल सभी तमाम दर्शकों को देखने मिलेगा ये मुकाबला. तो चलते हैं आगे का पहले चार ओर का आगे का विवरण सुनने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर रॉक स्टार प्रवीण गायकर के पास चलते हैं. बालूदादा पाटील एकेकालचे खरड क्रिकेट संघाचे नामवंत आक्रमक फलंदाज अन्नदाता सदा सुखी बाळूदादा पाटील खरड या व्यासपीठावर आपले भारतदादा मात्र तुमच्या आतुरतेने वाट पाहतात. धन्यवाद योगेश मड़वी सर, धन्यवाद महागुरु. क्या जबरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिला जहां पर काटे की टक्कर हाईएस्ट टोटल को स्कोर आज के दिन का था जहां पर 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था और अंतिम एक गेंद में 5 की जरूरत रंश 11 रेडगर टीम के बल्लेबाज निशांत ने जो छक्का दागा जो निशांत ने 28 रन खर्च किए थे वही निशांत ने छक्का दागकर टॉप 3 में अपने टीम को क्वालिफाई. गेंद तैयार और पहली गेंद के ऊपर यॉर्कर किंग अथर्व 11 कानपोली टीम के तेज तर्रार गेंदबाज आदेश मते की पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली है उन्हें और जय दुर्गा सुरई 11 टीम को यह पहला करारा झटका. क्या बात है महागुरु संगीत महेश दादा यांचं आपण ऐकलं की आमदार प्रशांतदादा ठाकूर हॅट्रिक आमदार ज्यांच्या खांद्याला खांदा लावून समाजाने एक दमदार योगदान देणारे आणि ज्या पद्धतीने आपण मगाशी उल्लेख केला होता महागुरु की 65,000 कुटुंबांना रामशेठ ठाकूर साहेबांनी आणि प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांनी कोरोना काळामध्ये खऱ्या अर्थानं झोपासला मदत केली त्याचप्रमाणे अनेक असे कार्य असतील की मग विकासाचा महामेरू असेल त्याच्यानंतर आपण श्रीराम मंदिर अयोध्यासाठी देखील भरभरून निधी ज्यांच्या माध्यमातून देण्यात आला असा रायगडचा महापुरुष म्हणून ज्यांची ओळख आपण पाहतो असे रामशेठ ठाकूर साहेबांचे सुपुत्र प्रशांतदादा ठाकूर साहेब आणि त्यांच्याच खांद्याला खांदा लावून दमदार योगदान देणारे महेश शेठ यांचं संगीत आपण ऐकलं. सुरई टीम के लिए सुवर्ण मौका है चेतन शेलार इनके ओर से खंबाल पाड़ा लगातार 6 छक्कों की बरसात करेंगे तो टोटल 6,000 का इनाम. जय दुर्गा सुरई टीम को यह मौका है बल्लेबाजों के लिए और इस बार बाहरी किनारा लगाए विकेट कीपर के पीछे फील्डर गुड कैच लगातार दूसरा छटका जय दुर्गा 11 सुरई टीम को बैट्समैन आउट. बालोचकांसाठी बालकृष्ण ऍडव्होकेट बालकृष्ण भूपी प्रमोद स्मृती चषकाचे यशस्वी आयोजक रीडगर यांच्या वतीने तिन्ही समालोचकांसाठी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक आलं त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं लगातार दो विकेट इससे पहले रीडगर टीम रंश 11 रीडगर टीम के गेंदबाज प्रणव ने फॉट्रिक यानी कि लगातार 4 विकेट लिए थे. आप यहां पर देख सकते हैं अथर्व 11 कानपोली टीम के गेंदबाज आदेश मते ने लगातार 2 विकेट लेने में कामयाबी दिखाई है.
जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, चुनौतियां ही खेल को रोमांचक बनाती है और इसी से आपके जिंदगी का, आपके खेल का महत्व निर्माण होता है। और उसी उम्मीद के साथ आज दो टीमें खेल रही है। आज देखिए सुपर थ्री में क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं, एक थी स्वर्गीय रतन स्मृति गावदेवी शिरडोन और दूसरी टीम बनी है रंश 11 भैरव देव रीडगर, जो वाईसीसी हर्षाली ने जो कल का पेंडिंग मुकाबला था टेम्बोडे टीम के खिलाफ वो जीता, वो गावदेवी उसाटना यानी कि स्वर्गीय रामचंद्र मडवीर प्रतिष्ठान उसाटने उनके खिलाफ उनका सुपर सिक्स का मुकाबला होगा। और इसके बाद ए पोल की लड़ाई होगी बामन डोंगरी विपक्ष टेम्भिवली। हैट्रिक के कगार पर थे जरूर, वाइट की तरफ अंपायर की तरफ जरूर शक की बुनियाद से देख रहे थे, लेकिन सैंडी पालकर इनका कहना है बिल्कुल गेंद लेंथ सीधी गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल की समाप्ति। 12:37 का समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे ये विकेट गर्म होगी वैसे वैसे रनों की बौछार देखने को मिलेगी, जैसे रिडगर और पुर्दुल के बीच में वो रन हमें देखने को मिले। हवाई हल्ला किया है, सीधा कॉमेंट्री बॉक्स की तरफ, सीधा गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। छह रनों की मदद से यहां पर अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज विनोद पाटिल आती पहली गेंद डॉट के लिए उन्होंने, और इस मर्तबा सीधा गेंद को फेंका 6 रनों के लिए। इस बार लीडिंग एज लगी है, मिड ऑफ 30 के दायरे के अंदर है, लेकिन लॉन्ग ऑफ भी आया है, टू मैं था, लेकिन आखिरकार चेतन ने कहा वहां पर पकड़िए कैच। और इसी के साथ ये जय दुर्गा 11 सुरई टीम का तीसरा महत्वपूर्ण बल्लेबाज मैदान से बाहर। बालकृष्ण दादा भोपी, ऍडव्होकेट बालकृष्ण दादा भोपी, स्वर्गीय प्रमोद स्मृती नाईट स्पर्धेचे ऑर्गनायझर हिटगर यांच्या वतीने समालोचकांसाठी 1,000 रुपयांचं बक्षीस आलेलं आहे। बालकृष्ण दादा भोपी, तुमचा मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करत आहोत। महादू गोंधली ग्रुप PCL यांच्या वतीने चेतन पाटील आणि रोहित पाटील कानपोली इनके टीम के लिए हार्दिक शुभकामना आ चुकी है। जब बड़े बड़े लॉट्स रहते हैं तो कई सारी टीमों के समर्थक महागुरु हमेशा मैच देखते रहते हैं, और आज देखिए जिस तरीके से महागुरु तोंडरेगांव की चर्चा करेंगे तो राजकीय क्षेत्र में तोंडरेगांव का दबदबा है, उसके साथ साथ बात करेंगे क्रिकेट में ही दबदबा है, और आज देखिए बैलगाड़ा क्षेत्र में बादल टिटवी जैसे बड़े बड़े बैल जो है उनके गाँव का नाम भी रोशन कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, छक्का आया उसके बावजूद भी लाजवाब कमबैक किया, और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद यहां पर रन संख्या बनी है जय दुर्गा 11 सुरई टीम की 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन। क्या बात है, पनवेलचा सर्वांगीण विकास हाच माझा ध्यास सातत्याने आपण पाहू शकाल। आमदार प्रशांत ठाकूर यांचं हे संगीत त्यांच्या समवेत महेश दादा खांद्याला खांदा लावून नेहमीच दमदार योगदान देत असतात, त्यांचं हे सुमधुर संगीत खऱ्या अर्थाने हे गीत गायलंय ते म्हणजे सुप्रसिद्ध संगीतकार गीतकार परमेश माली यांच्या आवाजातून हे सुमधुर संगीत आपण ऐकलं। पहिला ओव्हर समाप्त, सेकंड ओव्हर की सुरुवात होगी। चेतन पाटील अभी रिडगर के मैदान के ऊपर क्या कमाल का परफॉर्मन्स दिया था, जो श्रृंखला जारी है और बाहरी किनारा लगा है सुधीर के द्वारा, ये मौका था विकेट कीपर को लेकिन कैच को ड्रॉप कर गए, जीवन दान मिला। विश्वास नहीं हो रहा योगेश मडवी सर, क्या यही गावदेवी जय दुर्गा सुरई टीम है जो पनवेल प्रीमियर लीग में जिस टीम ने क्या ग्रामीण के लॉर्ड्स में क्रिकेट खेला था उसी जय दुर्गा सुरई टीम के खिलाफ आप यहां पर कानपुरी टीम के गेंदबाज थोड़े आक्रामक नजर आते हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं। चेतन पाटिल ट्रम्प कार्ड है इस टीम का, हवाई हल्ला करने का प्रयास किया है, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, बाउंड्री लाइन के नजदीक बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर सुमित के द्वारा, और ये विकेट नंबर जाएगा 4 मैदान से बाहर।
जे थोडीशी आपण महागुरु परिस्थिती पाहिली तर भरपूर बिकट झाली होती. म्हणजेच या ठिकाणी जय दुर्गा सुरई क्रिकेट संघाची छत्रपती शिवरायांनी सांगितलं, मित्रांनो आयुष्यामध्ये किती संकटे आली ना त्या संकटांच्या छाताळावरती पाय देऊन उभं राहायचं, रडायचं नाही तर लढायचं. आता लढावं लागेल जय दुर्गा सुरई इलेव्हन या टीमला. बहुत ही नाजूक स्थिती से गुजर रही है. चार विकेट सस्ते में लौटी है गेंदबाज चेतन तैयार. इस बार हवाई हल्ला किया है लेकिन ऊंचाई बहुत है. लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है आदेश मते. आदि सेना लौटी है मैदान से बाहर. जय दुर्गा इलेवन सुरई टीम की. महागुरु आज जय श्री राम का नारा आप हमेशा देखते हैं कि बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, हर ख्वाहिशों को त्याग करना पड़ता है क्योंकि प्रभु राम को भी श्री राम बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा था. 14 वर्ष का वनवास जो उन्हें भुगतना पड़ा था क्योंकि राम थे. जब उन्होंने सब ख्वाहिश त्यागी तो प्रभु श्री राम बने और ये प्रभु श्री राम की संगीत आपने सुनी. बाकी खिलाड़ी साथ दे या न दे, अगर आप खुद अपने साथ हैं तो अपना 100% जरूर दोगे तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता. यहाँ पर किसी एक खिलाड़ी को रुकना होगा जो जय दुर्गा सुरई टीम को इस मुकाबले में एक अच्छा टारगेट सेट कर सके. फिलहाल स्कोर रुका हुआ है, विकेट हैट्रिक के कगार पर है चेतन. विकेट हैट्रिक के कगार पर जरूर थे. ऑन साइड में निकलना चाहते थे लेकिन गेंद शॉट कवर में जाती हुई, शॉट कवर पॉइंट में जाती हुई उठाएंगे, फील्ड करेंगे तब तक वहां पर एक रन. जी हाँ, शायद बल्ले पर लगी थी ये गेंद, बल्लेबाज के खाते में ये रन जाएगी. एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे, 7 रन. आखिरी जो 5 गेंदे है उन 5 गेंदों के बाद ये सिंगल आती हुई 3 विकेट गवाई है जय दुर्गा इलेवन सुरई टीम ने. तो निश्चित तौर पर इन्हें थोड़ा सा वापसी का रास्ता अपनाना पड़ेगा. राउंड द विकेट से चेतन, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, कुछ नहीं कर पाए इस गेंद के ऊपर भी. यहां पर भी डॉट बॉल की समाप्ति. पहले ओवर में आदेश ने दिए टोटल 6, इस ओवर में अभी तक 5 गेंदों में केवल 1 ही रन खर्च किए. रिटगर के मैदान के ऊपर जो सदस्य ट्रॉफी का आयोजन है अल्पेश, आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि अजनबी स्पोर्ट्स ओले और कानपोली के बीच में केवल 4 ओवर में 28 रनों का वो लक्ष्य था और कानपोली टीम के सामने 1 बॉल में 3 रनों की जरूरत आई थी और अंततः ये खिलाड़ी को स्ट्राइक जब मिली तो इस खिलाड़ी चेतन ने वो छक्का दागा था. लेकिन ये क्रिकेट है, लो स्कोर का मैच भी ताकतवर बनाया जा सकता है. फुल टॉस बॉल, उम्मीद नहीं थी लेकिन इस गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट था. आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगा 6. 2 ओवर का खेल समाप्त. 2 ओवर के समाप्ति के बाद थँक्स. यानंतर लढत असणारे बघा, अ गटामध्ये खऱ्या अर्थाने अतिशय ताकदवर 2 संघ आहेत. ए ग्रुप मधली ते स्वर्गीय ज्वेली मात्रे, स्वर्गीय जितेंद्र पाटील, स्मृती जीवदानी बामणडोंगरी विपक्ष, बाबू मांडे टेंभिवली, या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी संपर्क साधावा. बामणडोंगरी विपक्ष टेंभिवली सत्र संपण्यापूर्वी तुम्हाला नाणेफेकीसाठी येणं गरजेचं आहे. ओटू रक्षा प्रवीण. क्या बात है महागुरु, स्वर्गीय ज्वेली मात्रे इलेवन कैलासवासी जितेंद्र स्मृती जीवदानी बामणडोंगरी अर्थातच बबल्या पाटील वाजे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ, ज्यांचे आपण राजीव गांधी मैदानावरती महत्वाची मोठी स्पर्धा देखील पाहतो. आणि एकीकडे आपण बाबू मांडे इलेवनचे हनुमान टेंभिवली द टार्झन ऑफ भिवंडी प्रतीक पाटील बाठ्या तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि त्या संघाला पुरस्कृत केले बाबू मांडे उत्कृष्ट सिंगर आणि गायक ज्यांच्या माध्यमातून हा संघ पुरस्कृत केलाय. महागुरु बामणडोंगरी संघाचा आर्यन नाईक जो खेळाडू आपण पाहाल ना, अगदी कमी वयामध्ये ज्याने यशाची उंच शिखरे गाठली तो पाहायला मिळेल. 3 ओव्हर की सुरुवात, कप्तान सुधीर पाटील. पहिली गेंद खराब लेंथ के साथ फेंकी है, लॉन्ग स्टॉप की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, 4 रन. बीमर के लिए अंपायर चेक करना चाहते हैं. चलिए तीसरे अंपायर की तरफ ये निर्णय, गेंद सीमा पार, 4 रन.
डिसीजन, 4+1 रन मिलेंगे 5, क्या यही ओवर है जय दुर्गा 11 सुरई टीम को एक अच्छे स्कोर तक का आगे जाकर खड़ा कर सकती है कि ये मैच में वो जरूर फाइट कर सकते हैं। इट्स अ नो बॉल कॉल, उगड़ा डोले पानी टकली गेंद होगी बल्लेबाज के लिए, फ्री हिट, फ्री हिट की गेंद के ऊपर जड़ में डाला था इस गेंद को, ऑन साइड में मोड़ दिया है फील्डर दूर से आते हुए मिड विकेट में, गुड फील्डिंग रोहित पाटिल थे वहां पर, एक रन मिलेगा, एक रनों के मदद से जय दुर्गा 11 सुरई टीम का स्कोर पहुंचा है टोटल 18 रनों के ऊपर, माफ कीजिएगा 19 रनों के ऊपर, 19 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आर्यन नाइक ने देखा कि जिस तरीके से 5 गेंदों में 5 छक्के, महागुरु जब जब वडौली और बामन डोंगरी के बीच में मुकाबले खेले गए ना, वडौली टीम ने हमेशा वो मुकाबले जीते, लेकिन आज परसों वडौली टीम शायद परास्त हुई, लेकिन इस बार नहीं रुकने वाले बल्लेबाज कि पहले 2 ओवर तुम्हारे नाम पर थे, अगले 2 ओवर आप जय दुर्गा सुरई टीम के नाम पर, दैट्स सम मैक्सिमम इट 6 रन। छक्का, इसी 6 रनों के मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 25 रनों के ऊपर, धीरे धीरे आप गाड़ी पटरी पर आ रही है जय दुर्गा 11 सुरई टीम की। राउंड द विकेट से सुधीर तैयार और जड़ में डालने का प्रयास, अलोंग द कारपेट, मिड ऑफ कोई नहीं है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, चेतन उठाएंगे फील करेंगे, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों के मदद से 26 रन तक पहुंची है जय दुर्गा 11 सुरई टीम 5 विकेट के नुकसान पर। 2 बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी साझेदारी यहां पर बनती हुई, अच्छा साथ निभाते हुए ये दोनों बल्लेबाज अपने टीम के लिए एक आगे तक स्कोर लेना चाहे थे। हाल ही आफ्टर लैंड किया है सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सीमा रेखा पार, मच नीडेड सिक्सर, 6 रन। देख मेरे दोस्त, उड़ान तो हमेशा भरना, इसके लिए चाहे कई बार गिरना क्यों ना पड़े, अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो फिर खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। ये लड़ते हुए मैदान के अंदर आप देख सकते हैं जय दुर्गा सुरई टीम के बल्लेबाज संदीप पाटिल के बल्ले से ये बेहतरीन छक्का देखने को मिला, टारगेट किया है अथर्व 11 कानपोली टीम के कप्तान सुधीर पाटिल को। ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है, ये गेंदों की तलाश, पिछली गेंद भी खराब नहीं कहेंगे, लेकिन बैट्समैन ने उस गेंद को अच्छी तरीके से हैंडल किया और एक बेहतरीन छक्का, लेकिन उसके बाद ये तुरंत जवाब कप्तान सुधीर पाटिल के द्वारा, डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर मात्र रुका हुआ है अभी तक 32 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, धीरे धीरे लग रहा है कि कम से कम 45-50 के तक यहां पर पहुंच सकती है जय दुर्गा 11 सुरई टीम। ओ, शायद ये हाफ चांस था डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, डायरेक्ट हिट तो हो चुका है लेकिन सुरक्षित रहेंगे शायद खिलाड़ी, अंपायर का ये नॉट आउट का इशारा, शायद ये 22 का रन है, इसीलिए शायद बल्ला तेज जमीन पर लगा हुआ, यह आवाज यहां तक आई, अंपायर 22 का इशारा देते हुए ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 11.00 के रन रेट से 33 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जय दुर्गा सुरई टीम। या नंतर जी लड़त असेल बघा, बामण डोंगरी विपक्ष टेंबिवली तुमच्यासाठी शेवटचा आमचा पुकार असणार आहे, 17 संपण्यापूर्वी तुम्हाला नाणेफेकीसाठी येणं गरजेचं आहे, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी लगेचच नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावं, तत्पूर्वी बोलूया रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे। थैंक यू डीजे। चलिए पानी की मांग जो मैदान के अंदर की जा रही है खिलाड़ियों के द्वारा, थोड़ी सी थकान, द टार्जन ऑफ भिवंडी बाबू मांडी 11 जो हनुमान टेंबिवली टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज महागुरु, इस खिलाड़ी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भावेश पवार के खिलाफ जो गेंदबाज है ना, सोचते हैं कि इनके खिलाफ किस तरीके की गेंदबाजी की जाए, लेकिन भावेश पवार के खिलाफ जो ये बल्लेबाज है अगेंस्ट विश्वजीत ठाकुर मोटे होंगे, इनके खिलाफ बड़े बड़े शॉट्स खेलना ये खिलाड़ी की आदत है। बहुत बड़ा बैटल बनता है जब ओपन हाफ होते हैं या ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग होती है, भिवंडी बिग बैश जैसे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है, बहुत बॉल बॉलर है, मोनिश होंगे, उनकी सेना मनीष होंगे, साथ ही साथ आदित्य होंगे, रोहन होंगे, सोहम होंगे, बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप इनके पास है। तो एक तरफ आर्यन नाइक जैसा उभरता हुआ खिलाड़ी आज बामण डोंगरी टीम में देखेंगे, ए पोल की सबसे ताकतवर लड़ाई आपको नजर आएगी, तकदीर का बल्ला है, बहुत बेहतरीन है, संदेश गोंदी जैसे खिलाड़ी है, मजा आएगा उस मैच में। आखिरी ओवर जो बचा है इस इनिंग्स का, 3 ओवर में 33 बने हैं, मंजिल भी ना हमेशा जिद्दी होती है महागुरु,
रास्ते भी हमेशा जिद्दी होते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपके हौसले भी तो हमेशा जिद्दी होते हैं। अच्छी पार्टनरशिप दो खिलाड़ियों के बीच में। रोहन पाटिल नए गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे, सामने बल्लेबाज होंगे। रुपेश संदीप माफ कीजिएगा, पहली गेंद ऑफ स्टंप की तरफ लाइन रखी थी, जरूर छोड़ दिया वहां पर बल्लेबाज ने सीधा विकेट कीपर के हाथों में, जहां पर अंपायर की तरफ देख रहे थे कि ये उनको वो करार देंगे वाइड का, लेकिन अंपायर ने कहा कि जो वाइड की रेखा है कि वहां से थोड़ी सी अंदर की तरफ ये गेंद गई होगी, ऐसा कुछ इशारा किया होगा बल्लेबाज को, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी गुड स्टार्ट, पॉजिटिव स्टार्ट के साथ यहाँ पर गेंदबाजी रोहन पाटिल के द्वारा होती हुई, जानते हैं दो बल्लेबाज सेट है, निगाहें बहुत ही अच्छी है इनकी और उस अंदाज से। और इस बार चलिए अच्छी गेंद थी, चलिए माँ गुरु जब रहते बीच में माइक करना भूल जाते हैं, इसलिए आप तक आवाज गई वो हेलो की, अचानक इनको इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं। माँ गुरु बनना किसी के बस की बात नहीं दोस्तों, सुनील नारायण पुरस्कृत, उसके साथ नारायण राणे पुरस्कृत सम्मानित किया गया उनको, एक बहुत ही बड़े निवेदक के तौर पर महाराष्ट्र के जाने जाते। चलिए यहाँ पर सिंगल बटोरा सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 34 बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, तीन ओवर में 33 थे और उसके बाद ये सिंगल आती हुई, गेंदबाज रोहन तैयार, टप्पा पीछे था, गैप में खेलने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है, एक रन तो जरूर मिलेगा, दूसरी की मांग मना कर दिया वहां पर, अच्छी कमबैक, बेहतरीन कमबैक होती हुई अथर्व 11 कानपुरी टीम के गेंदबाज रोहन के द्वारा। सुधीर को मार मिली कप्तान को, लेकिन उसके बाद गैप जबरदस्त वापसी का रास्ता अपनाया, ये होता है जब किसी आपके गेंदबाज को मार मिलती है ना, तो बाकी के गेंदबाज को सुधार लाना बहुत जरूरी होता है। सुरई टीम थोड़ी सी दबाव में है जरूर, लेकिन हमेशा कहते हैं ना किसी के अभाव में ना किसी के प्रभाव में, ये खेल है तुम्हारा, बस अपने स्वभाव में खेलो। लाउड अपील की गई थी, यस फिंगर अप को संपायर की उंगली आसमान में, और खिलाड़ी कह रहे कि थोड़ा सा टप्पा नीचे था, लेकिन अंपायर का यह निर्णय आ चुका है कि बैट्समैन आउट, विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर। झालेला आहे आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहतो त्यांचे खास निकटवर्तीय दानंद ठाकरे यांचं व्यासपीठावर आगमन, स्पर्धा ऑर्गनायझर भारतदादा म्हात्रे यांच्या वतीने आपलं स्वागत आहे। बिल्कुल महागुरु, खूनी टीम ने इतिहास रचा था इस सीजन में, इस मैदान के अंदर 95 रन हाईएस्ट टोटल इंडिविजुअल स्कोर बनाया था, जहां पर करण टोमरी की अर्धशतकीय तूफानी पारी जो इस आमदा ट्रॉफी 2024-25 के सीजन की पहली अर्धशतकीय और सबसे हाईएस्ट टोटल वहां पर खड़ा कर दिया था। 34 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, क्या तफीदुली गेंदबाजी नजर आती हुई, अच्छी गेंदबाजी, डेथ ओवर में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, फिर भी ये गेंदबाज की कितनी कमाल की गेंदबाजी। योगेश पंडवी सर याद है जब बाक 11 तलोदा उस्मान अगेंस्ट ये खिलाड़ी के बीच में बैटल हुआ था और उनका उस्मान को क्लीन बोल्ड किया था इस गेंदबाज ने, और वही वो गेंदबाज उभर कर आया और आज अपने टीम में जगह पक्की बनाते हैं और हर मैच में चौथे ओवर की भूमिका निभाते हैं अपने टीम की तरफ से। स्लॉग ओवर कहते हैं कि सिक्का की बात करेंगे, जिसका उछलेगा वही चलेगा, अब यहां पर ये नसीब ये खिलाड़ी का बनता हुआ। फुल टॉस बॉल के ऊपर पायदा नहीं उठा पाए, वहां पर गैप में खेलने का प्रयास, फील्डिंग थोड़ी सी खराब, कवर लाजवाब देते हुए वहां पर 2 रन बटोरे खिलाड़ियों ने। तीसरे की कोशिश हो रही है, थ्रो देखेंगे बिल्कुल बॉलर एंड की तरफ, बल्लेबाज आउट।
भी केले जाईल अक्षय ठोंबरे खोणीवरून आलेले आहेत. अक्षय या दायनात आपण या भारतदादांचं निमंत्रण स्वीकारून स्पर्धे करता आपण आवर्जून उपस्थित राहिलेला आहात. आपल्या शुभहस्ते स्वर्गीय ज्वेली मात्रे जितेंद्र पाटील जीवदानी बामणनगरी क्रिकेट संघ बाबू मांडे क्रिकेट खऱ्या इलेवन टेंब्युली या संघाच्या दरम्यान आपण नाणेफेक करावी. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. नाणेफेकीचा कौल बाबू मांडे इलेवन टेंब्युली क्रिकेट संघ. दोन्ही क्रिकेट संघाला प्रथमतः आमचे भारतदादा आहेत भीमशेठ आहेत मईदादांच्या वतीने शुभेच्छा देतो. कारण अ गटातील एक ताकदवर संघ रायगड आणि ठाणे विभागातील संघांना एक खऱ्या अर्थाने आपण नाणेफेक जिंकलेले आहे. निश्चित स्वरूपात एक विचार केला ठाणे ग्रामीणमध्ये तुमचा एक प्रतिभाशाली संघ म्हणून ओळखला जातो. तशा प्रकारचा जर आपण विचार केला प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ जीवदानी बामणनगरी रायगडमधला एक ताकदवर संघ म्हणून ओळखला जातो. एकंदरीत सामना चार षटकांचा असेल, लढत कशी होणार आहे? लढत लास्ट चेंडूपर्यंत जाईल आणि बामणडोंगरी संघ पण चांगलाच आहे आणि आम्ही पण खेळ चांगला करण्याचा प्रयत्न करू. हा एकंदरीत नाणेफेकीचा उजवा कौल तुमच्या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. प्रथम दर्शनी बामणडोंगरी क्रिकेट संघासमोर तुम्ही कोणता निर्णय स्वीकारणार आहात? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण करणं तुम्ही का पसंत केलं? मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅच आहे, याचं मुख्य याच्या पाठीमाग मुख्य रिझन का असणार आहे? दोन प्लेयर आमचे जे गेले मॅचमध्ये कमी होते ते आता आलेत आणि चेस करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच. म्हणजे फलंदाजी त्यांची खूप मोठी भिस्त आहे. एका बाजूला जीवदानी बामणनगरी तेजेश मांत्रे आपला खऱ्या अर्थाने नाणेफेक तुम्हाला गमावलेली आहे. यदा कदाचित नाणेफेकीचा गौल या मोस्ट एक महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये तुमच्या संघाच्या बाजून लागला असता तुम्ही कोणत्या निर्णयाला पसंती दिली असती? आम्ही पण क्षेत्ररक्षणच स्वीकारलं असतं, कारण की इथे किती स्कोर केला तरी चेस होतोय. हा एकंदरीत आता नाणेफेक गमावलेली आहे म्हणजे तुमच्या मनाच्या विरोधात गेलेला आहे. तुम्हाला प्रथमतः फलंदाजी करते सामना इथे चार षटकांचा सामना असेल आणि संघनायकाने सांगितलं फलंदाजी आमची खूप मोठी भिस्त आहे हा टेंबोली क्रिकेट संघाने. तर मग प्रथमतः फलंदाजी करत असताना चार षटकामध्ये कितपत मोठं आव्हान उभं करण्याचा तुमचा पूर्णतः प्रयत्न असेल? आव्हान असं नाही आहे, कारण की इथे कोणताही स्कोर असेल आणि क्रिकेटमध्ये कोणताच स्कोर असा म्हणजे डिपेंड होत नाही असं नाही किंवा चेस होत असं नाही. क्रिकेटचा शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगतो, त्याच्यामुळे आमचा सामना जसं प्रतीक बोलला का चांगला खेळू जसं आम्ही चांगला खेळू. आम्ही 60+ जर स्कोर केला तर नक्कीच आम्ही डिपेंड करू शकतो, कारण की त्या दिवशी आमचे प्लेयर नव्हते. आज आमचेसुद्धा गोलंदाज आलेले, जित खोत बाहेर होता, क्रिश होता बाहेर, ते आज दोघं आलेले आहेत, तसे त्यांचे पण दोन प्लेयर आले आहेत, त्यामुळे सामना प्रेक्षकांच्या आवडीचा असू. हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न येईल आपल्याकडं. जर तुम्ही सांगितलं आम्ही 60 मजल मारण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे, यदा कदाचित 60 यदा कदाचित चुकून जर धावा 60 कमी झाल्या तर संघनायक म्हणून प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघासमोर तुमची रणनीती का असेल? नक्कीच संघनायक म्हणून असं नाही, कोणत्याही संघाला जेवढ्या धावा काढतो तो नक्की डिपेंड करायचा प्रयत्न करतो. मध्ये 40 असतील 25 असतील, कारण की प्रत्येक संघ जो येतो तो जिंकण्यासाठीच येत असतो, त्यामुळे किती धावा असल्या तरी डिपेंड करायची ताकद ठेवायला लागते किंवा चेस करायची ताकद ठेवायलाच लागते. थँक्यू सो मच. नाणेफेकीचा कौल इथे बाबू मांडे इलेवन क्रिकेट संघ टेंबोली क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेक जिंकून प्रथम दर्शनी आहे, क्षेत्ररक्षण करणं पसंत केलं आणि फलंदाजीसाठी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला आमंत्रित केलं. अक्षयचा सन्मान इथं करू. अक्षय आणि दयानंद ठाकरे भरतदादा या आपल्या निवृत्ती मात्रे यांच्या शुभासे त्यांचा सन्मान केला जाईल. एक शांत आणि संयमी स्वभावाचे व्यक्तिमत्व, ज्या प्रकारे चंद्र आपल्या शीतल चांद्र्याने पृथ्वीवरील लोकांना मोहित करताना असे मोहित करणारे व्यक्तिमत्व बोलूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच महागुरु, थँक्यू सो मच प्रवीण. तो जीत की बात करेंगे इस समय केवल 38 रनों का टारगेट है 24 गेंदों के ऊपर ये मुकाबला जीतने के लिए. तर दयानंद ठाकरे यांचा सन्मान निवृत्ती मात्र यांच्या शुभास्ते केले जाईल. रनों का लक्ष्य है और इस बार हवा में गेंद सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन. थँक्यू थँक्यू डीसी सहादाबा मिळत आहेत बॅट्समॅन साठी. आपण पाहिलं लक्ष मोठं नाहीये, 38-38 धावेचं टार्गेट इथे पहिल्या सत्रामध्ये पाहिलं. जयदुर्गा सुरई टीम ज्या टीमनं केवल 37 धावा केल्या आणि 38 धावेचं उत्तर देत असताना सुंदर सुरुवात. रोहित मात्रे हिटमॅन ज्याला म्हटलं जातं आणि आगळ प्राप्त केली सिंगच्या मदतीनं टीमचे टोटल 8 या धावसंख्येवरती 24 बॉल मध्ये 38 चं लक्ष म्हणजे 9.50 ची सरासरी प्रतिषडक गाठायची आहे. प्रतिषडक 9.50 ही सरासरी गाठायची असताना अजून एक आक्रमण मिड विकेटला चेंडू सरळ फेकून देतोय सीमारेषा बाहेर
आदेश मतेच्या बॅट मधून षटकार। सुराई संघाला करावा लागेल, कारण लक्ष छोटे अशा मोमेंटला आपल्याला स्टँडर्ड गोलंदाजी करायची आहे। स्टँडर्ड फिल्डिंग, अतिरिक्त दाबेवरती अंकुश, विकेटचं सातत्याने दबाव मागे दबाव, या पाच गोष्टी असतात ज्या लो स्कोर मध्ये तुम्हाला सामना जिंकून देऊ शकतील। परंतु इथे काय घडलं की आक्रमण केलंय कानपोली संघाच्या सलामीवीर ऍज द ओपनर एका बाजूला रोहितनं षटकार टोकला, त्यानंतर इथे आदेश मते त्याच्या बॅटमधून षटकार येतो। टीमची टोटल आमचे स्कोर सांगतात 14 धावा, फक्त 24 ची गरज आहे या मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी। अथर्व एलेवन गावदेवी कानपोली, ज्या संघाची दादागिरी कित्येक वर्ष क्रिकेटमध्ये राहिली, अनेक मोठमोठ्या संघांना परास्त करण्याची धमक आणि ताकद या टीम मध्ये, शांत स्वभावानं क्रिकेटच्या मैदानात उतरतात, प्रत्येक संघावरती मात करतात, आजही तेच चित्र पाहायला मिळते। चांगला चेंडू, इथे बॅटची एज होती, नक्कीच कुठल्याही प्रकारची रन्स नाहीये, नका दिला रोहितनं त्याला, कारण एक रन कंप्लीट होऊ शकली नसती आणि नक्कीच माहित होतं रोहितला की, आणि नकार दिला, डॉटची समाप्ती झाली। चार चेंडू जवळजवळ 14 धावा आल्यात, 20 चेंडू आणि आता फक्त 24 धावेची गरज आहे। सुरई संघ जो भिमंडी परिसरातला एक ताकदवर संघ म्हणून ओळखला जातोय, परंतु आज सुरई टीम मध्ये देखील दोन भाग झालेच नक्कीच, आणि आज सुरई संघ इथे मैदानात उतरलाय, परंतु इथे थांबणार नाहीये। आदेश मते सांगतोय चेंडू यावेळी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय, आदेश मतेच्या बॅट मधून षटकार। क्या बात है, डीजेचं संगीत तुम्ही ऐकतात। या मॅच नंतर तुम्हाला बिग फाईट लढत ए ग्रुप मध्ये पाहायला मिळेल। जुईली मात्रे, स्वर्गीय चंद्रकांत, स्वर्गीय जितेंद्र स्मृती, जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी, आणि त्याला फाईट करेल बाबू मांडे टेंबिवली। पुन्हा एकदा एक पनवेल परिसरातला ताकदवर संघ बामन डोंगरी, आणि त्याला फाईट करेल भिवंडी परिसरातला टेंबिवली संघ। ऑफ साईडला ऑफ ड्राइव करतोय, पॉइंटला बीट करून पॉइंट कव्हर पॉइंटच्या मधनं चेंडू कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आदेश मतेच्या बॅट मधून अजून एक शानदार चौकार। त्यानं दोन षटकार टोकले, एक चौकार, तर रोहितने एक षटकार टोकला पहिल्या ओव्हर मध्ये। 24 धावा आल्या, उर्वरित समीकरण तुम्ही पाहतायत 18 बॉल फक्त 14 धावेची आवश्यकता। जात्या गाड्या सोडा, भिंजोरची महत्वपूर्ण गाडी पायथ्यावर गेलेली आहे। या आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक भरतदादा म्हात्रे यांचा भालाबाई, भालाबाई सोबत टिटवी पडला रे तिकडा नाना शेट प्रधान यमाडीची घोटकरांचा शॉटगन। आपण पाहतो प्राप्ती लाईव्ह ने पूर्णतः फोकस केलेला आहे। महेश दादा पाटील आहे, श्रीनाथ पाटील, भीमशेठ फडके, बाला दाबने, दयानंद ठाकरे पाली, त्यानंतर अक्षय ठोंबरे खोणी, बघा सर्वांना कसं फोकस केलेलं आहे या स्पर्धेसाठी, त्यांची आवर्जून उपस्थिती। ओ टू योगेश, नक्कीच महागुरु की ज्या स्पर्धेला ज्यांनी खूप मोठं सहकार्य दिलंय, कारण ही स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पडावी म्हणून सर्वांचे लाडके भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व महेश दादा पाटील, एकच बादा आमचा महेश दादा, आणि नक्कीच त्यांच्याकडून खूप मोठं सहकार्य। त्यानंतर टोंटरे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच श्रीनाथ दादा पाटील, ज्यांच्या माध्यमातून देखील स्पर्धेला मोठं योगदान लाभलंय, आणि ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला 25,000 रुपयाचं डोनेशन प्राप्त झालंय, ते सर्वांचे लाडके क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व भीमशेठ फडके साहेब देखील व्यासपीठावरती आहेत। सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत, आणि जाऊया मैदानाच्या दिशेनं जिथे मॅच तुम्ही पाहतायत पूर्णपणे। आता अथर्व इलेव्हन गावदेवी कानपोली संघाच्या बाजूनं मजबूत झाली आहे, कारण फक्त 13 धावीची गरज, 17 चेंडू आणि 13 धावा, 17 चेंडू 13 धावा, दूर बळून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटचा संपर्क नाहीये, डॉट चेंडूची समाप्ती। आता मात्र मी इथं एकच गोष्ट सांगेल की मॅच जर जिंकायची असेल सुरई टीमला, तर तुम्हाला स्टँडर्ड गोलंदाजी करावी लागेल आणि स्टँडर्ड फिल्डिंग, अतिरिक्त ओव्हरवरती धावेंवरती अंकुश ठेवावा लागेल, विकेटचं सातत्याने दबाव मागे दबाव, ह्या पाच गोष्टी तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये
सामना जिंकून देऊ शकतील, परंतु इथे काय चाललंय? एका बाजूला आक्रमण सुरू आहे, आदेश मते नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये घोंगावतंय, ठोकलंय त्यांना इनिंग मधला चौथा षटक, टोटल अगदी वेगानं चालली आहे. धावपळकाबत्ती 31, फक्त 7 धावेची गरज आहे. जे संयमाने जगातल्या भरपूर साऱ्या लढ्या जिंकता येतात हे छत्रपती शिवरायांची शिकवण आहे. आणि नक्कीच आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स ज्याला म्हटलं जाते, नो बॉल अर्थात पंचांचा इशारा आलाय आणि रन्स त्यावरती पंच सुनील तांडेल, नो बॉल आणि एकूण काय डिसिजन सांगायचंय, थर्ड अंपायर तिसरे पंचांची मांग केली जाते. तिसरे पंच आम्हाला इथे दाखवतील की हा बॉलला हाईट फॅक्टर किती होता. नक्कीच आपण म्हणतो की सेल्फ कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास, खरं तर आत्मविश्वासाने देखील भरपूर साऱ्या लढाया जिंकता येतात, परंतु सेल्फ कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास, बाळासाहेब ठाकरेंचं एक वाक्य आहे की जगाच्या पाठीशी तुम्ही कुठेही जा, जर तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास तुमच्या सोबत असेल तर जगात तुम्हाला कोणीही परास्त करू शकत नाहीये. आणि नक्कीच इथे नो बॉल फ्री हिट, चांगला चेंडू समोर खेळतात या बेस, मात्र चेंडू चालला स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, एक सिंगल प्राप्त केली सिंगलच्या मदतीने टीमची, टोटल धावा पडक्यावरती धावा लागते, तुमचे स्कोर सांगतायत 37, फक्त एका धावेची गरज आहे. बघा खूप चांगली मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल, बरेच सारे प्रेक्षक इथे उपस्थित होते, परंतु सुरई सारखा बलाढ्य संघाला फक्त 37 वरती थांबवलं आणि त्यानंतर आक्रमण केलं आणि अवघ्या 2 षटकामध्ये सामना संपवलाय. अथर्व 11 गावदेवी कानपोली संघ, अभिनंदन संघाचं आणि हार्ड लक जय दुर्गा सुरई टीम. या स्पर्धेत आपण सहभाग नोंदवला, भिवंडी परिसरातला हा संघ त्याने सहभाग नोंदवला, परंतु या मॅच मध्ये त्यांना परस्त बाबत लागलं, महत्वाची लढत होती त्यांच्यासाठी, डू अँड डाय, जिंका किंवा मरा, ही लढत मैदानाच्या आतमध्ये होती, परंतु ही मॅच जिंकून सुपर 3 मध्ये दाखवतोय अथर्व 11 गावदेवी कानपोली संघ, अभिनंदन.